मेरा जो एंकल था वो मुड़ गया था। हैं? सही नहीं बोल रहा हूँ। हे गाइस, स्वागत है आप लोगों का एक नए वीडियो में। तो आज फाइनली लेग डे आ चुका है। मेरा इंजरी हो गया था तो काफ़ी टाइम से मैं वर्कआउट नहीं कर पा रहा था अपने लेग्स का। क्रिकेट खेलते हुए मेरा जो एंकल था वो मुड़ गया था, तो फाइनली अब हम लेग डे करने जा रहे हैं। और काफ़ी ट्रिप विप के लिए भी आ गया था तो टाइम नहीं मिल रहा था, तो अब हम जा रहे हैं लेग्स ट्रेन करने। एक्सरसाइज हमारा लेग एक्सटेंशन है, तो इसका मैंने वेट 35 कर दिया। तो इस सिंगल लेग से स्टार्ट करेंगे, 12 रेप्स करेंगे, उसके बाद दूसरा से 12 रेप्स, उसके बाद दोनों के साथ उसका वेट डबल कर देंगे 70 kg, और उसके 12 रेप्स निकालेंगे। तो लास्ट सेट है लेग एक्सटेंशन का, इसका मैं 50 kg ईच लेग करूँगा। 50 के ट्राई करूँगा 6 to 8 रेप निकल जाए, उसके बाद डबल वेट 100 kg के भी 6 रेप चलते हैं। एक्सरसाइज लेग प्रेस है, इसके हम 3 सेट करेंगे, तो सेट इंक्रीज होता रहेगा, उसके साथ वेट भी इंक्रीज होगा और रेप थोड़ा कम होता रहेगा। तो हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज लेग प्रेस है, तो इसके हम 4 सेट करेंगे एंड विद एवरी सेट वी गोना इंक्रीज द वेट एंड डिक्रीज द नंबर ऑफ रेप्स। नेक्स्ट एक्सरसाइज लंजेस है, इसके 3 सेट करेंगे 12 रेप्स। वॉच करते हैं थोड़ा, मेरा अभी भी बैक इशू है और थोड़ा एंकल का भी इशू है, तो ज़्यादा हैवी करूँगा नहीं, थोड़ा बहुत देखने के लिए कैसा हो रहा है मेरा अभी। तो थोड़े स्क्वाट्स के 4 सेट मारते हैं, उतना हैवी नहीं जाऊँगा, लाइट करूँगा और देखते हैं। जिम करने का नतीजा, जिम करने वाले ये करते हैं। आज हम जाने वाले हैं अपने घर से बाहर, बात जाने वाले हैं, तो ये घर को बाय बाय कह रहे हैं। तो सारा जो सामान है यहाँ से हम बाहर ले रहे हैं, और आज मेरे पास बहुत ज़्यादा काम है क्योंकि ये सारे भारी चीज़ें हैं, ये उठाने का जिम्मेदारी मुझ पर है, तो अभी उठाते हैं ये। आ जाओ डाली, फॉलो मी। बोले भाई, सामान दिख रहा है इधर से, ये सारा सामान सब उठाना मेरा है, मेरा जिम्मेदारी है, सब कुछ मैं उठाऊंगा। ये सब दिखा दो डैडी, पास आ जाओ। मैं आप लोगों को बताता हूँ आज का क्या चैलेंज है। ये बड़ा सूटकेस, भारी सूटकेस हमें ले जाना है और नीचे रखना है। 3 रख चुका हूँ, अब ये सारे जो भी भर भर के यहाँ है सबको ले जाते हैं। जिम दे जी शौकीन है, भी वेट मारते
तो जैसे आप लोग देख सकते हो, 1, 2, 3, 4, 5 सूटकेस में ले आ चुका हूँ। अभी 5 और है, उसको भी नीचे लाना है, तो चलते हैं फटाफट। नाइस डैडी, इतने बैग जाएंगे कैसे? आपको क्या लगता है? तुम तो सब ले गए ये सब घुसेगा कैसे है? एयरपोर्ट में कैसे लेके जाएंगे? और अभी तो गाड़ी में ले जाना है सब। एयरपोर्ट बहुत बड़ा होता है। गाड़ी तो बड़ा नहीं होता ना, एयरपोर्ट से छोटा होता है। तो अभी छोटा सा ब्रेक मिला है, गाड़ी आने वाली है, फिर जो ये सब चीजें है इसको भी उठा के ले जाना है गाड़ी में। यही काम है हम जिम वाले लड़कों का, उठाओ और गाड़ी के अंदर डालो। तो सारा सामान नीचे ला चुके हैं, ये रहा, ये इतना ज्यादा सामान है, और इसके साथ ये वाला, ये भी, ये सब एक ही गाड़ी में जाने वाला है, और हम भी एक ही, हम 5 लोग हैं, पता नहीं फिट कैसे आने वाले हैं, लेकिन अभी आगे जाके देखते हैं क्या सीन है। फीलिंग ब्रदर? नॉट गुड ब्रदर। हाँ ब्रदर, वेरी वेल। तो मम्मी ने मुझे आन दिया है तो प्रोटीन, क्योंकि ये सारा सामान मुझे उठा के डालना पड़ेगा अंदर। तो थोड़े डोले बड़े करने के लिए मुझे दिया गया है ये चीज, और अब मेरा काम है ये सारी चीजों को लेके गाड़ी के अंदर डालना। और हमारी मासी भी खा रही है प्रोटीन। मासी आपको भी प्रोटीन की जरूरत है ना? जरूर, कई बहुत सामान उठा। और मम्मा मम्मा ना मम्मा करेगा। ओ भाई मेरे, ओ मेरी देश की धरती। वन डाउन, 100 मोर टू गो। सूटकेस अंदर घुस नहीं रहा है, सब बाहर लाना पड़ रहा है, अब देखते क्या होता है। तो देख लो, अंदर डालना था सारा सूटकेस, सारा सूटकेस अंदर डाला, अब सब बाहर निकालना पड़ रहा है। फाइनली 1 घंटे के कोशिश करने के बाद सारा सामान सारा सूटकेस अंदर घुस चुका है। तो आज मैंने आपको बताना भूल चुका हूँ, आज हम बाद जा रहे हैं, तो 3 घंटे लगेंगे बाद पहुँचने में, वहाँ थोड़ा घूमेंगे देखेंगे कैसा जगह है, तो चलते हैं। पैर फिट आ जाए तो घुस जाऊंगा। हाँ, ये है हमारा रास्ता। मासी कैसा लग रहा है? हम तो सार्डिन बने हैं। कंफर्टेबल हो? सार्डिन बहुत दिन से खाए नहीं, उसी की याद आएगी। द प्रॉब्लम इज यू कांट गेट इन द कार, बट वंस यू गेट इन द कार यू कैन सिट इन, यू कांट गेट आउट। उसी के ऊपर बैठ जाओ। हां ये पकड़ो। एक और चीज आ रहा है मेरे ऊपर। अरे ये हेनरी आने वाला है मेरे ऊपर। मो भाई ये कैसे आएगा मेरे ऊपर, मुझे समझ नहीं आ रहा, पर लाओ भाई नहीं, कुछ भी करके घुसाना पड़ेगा इसको एनर्जी के लिए। क्या है मौसी? ये पेपरमिंट। एनर्जी के लिए लिया जा रहा है। नहीं उधर पहिया उधर कोई चीज है ना, ये तो टॉकिंग है हेनरी के लिए। तो बीच रास्ते रुक चुके हैं कहीं, बहुत ज्यादा भूख लग रहा था, तो यहाँ मैकडोनल्ड है, तो थोड़ा बहुत खा लेते हैं। तो पापा को भेज दिया, मैं तो जा नहीं सकता हूँ क्योंकि देख रहे हो हेनरी मेरे ऊपर बैठा है, इतना इतना बड़ा हेनरी मेरे ऊपर बैठा है, तो मैं हिल नहीं सकता यहाँ से। तो पापा को भेज दिया है, बहुत भूख लग रहा था, मैंने कहा तो चिकन नगेट नगेट शगेट लाओ यार मेरे लिए, थोड़ा खाया जाए, क्योंकि अभी 2 घंटे और लगना है, इतना दूर जाना है, तो थोड़ा खावा लूँ उसके बाद। मम्मा आप लोगों ने क्या ऑर्डर किया है? कुछ नहीं। आप भूख नहीं लग रहा क्या? क्यों? बिल्कुल नहीं लग रहा, हमको खाली प्यास लग रहा है। अरे ये क्या बात है। तो देखते हैं क्या लाते हैं, उसके बाद दिखाते हैं। ब्रदर व्हाट हैव यू गॉट टू ईट? चिकन क्रिस्पी चिकन बर्गर। हां एंड चिकन नगेट। अच्छा दीज यू लाइक? हां नाइस वन, गुड जॉब ब्रदर। ओह थैंक यू। ओ भाई आ चुका है मेरे मैकडोनल्ड्स, अब देखते हैं क्या क्या है इसके अंदर और खाते हैं।
तो आ चुका है मेरा मैक्स स्पाइसी चिकन बर्गर, बढ़िया लग रहा है। और ये है मेरे चिकन नगेट्स, ये चाहिए थे मुझे। मैं आ गया, बहुत टाइम से भूखा था, सुबह से कुछ भी नहीं खाया था, ये खा के ना जन्नत मिल गया। सच बात बताऊं तो कुछ ठीक नहीं है यहाँ, खाने के नाम पे नमकलेस खाना देते हैं। ये बर्गर में मिक्स स्पाइसी चिकन है, लेकिन इसमें स्पाइसी तो है नहीं, ना तो नमक है, बस बर्गर के अंदर पता नहीं क्या देके दे दिया है। और ये पूरे ट्रिप का यही स्टोरी रहा है खाने का, नमक डालना पड़ता है, बस फ्रेंच फ्राइज यहाँ सही मिलता है और कुछ नहीं। तो फाइनली हम बात आ चुके हैं, तो मैं एक बार आप लोगों को अपना घर दिखा देता हूँ। तो ये अपना डाइनिंग रूम है, ये सोफा, ये हमारा किचन, यहाँ सारा खाना वाना बनेगा मेरा, प्रोटीन वोटीन अंडे और शंडे सब बनेंगे यहाँ। फिर ये है हमारा बेडरूम, एक बढ़िया लग रहा है। अब मैं आप लोगों को नीचे ले जाता हूँ। ये एक और बेडरूम, दो बेड है यहाँ, और ये हमारा वॉशरूम। बस ये भी कुछ है क्या? ये भी कुछ है। और ये एक और बेडरूम, ये मेरा सबसे फेवरेट बेडरूम है, अगर आप देख सकते हो यहाँ फायर टाइप चीज है, मस्त लग रहा है। और एक और बाथरूम वहाँ है। मॉर्निंग गाइस, तो अब हो चुका है सुबह और हम आ चुके हैं बाथ देखने। कल ट्रैवल किया था और रात को सैटरडे नाइट था, तो थोड़ा बहुत मज़े किए बाहर गए, तो आज देखने आए हम बाथ है कैसा। अभी तक डैडी कैसा लग रहा है आपको जगह? इट्स एन ओल्ड सिटी, ब्यूटीफुल सिटी, इट हैज लॉट ऑफ यूनिवर्सिटीज एंड इट वाज बिल्ट बाय द रोमन्स, सो वी आर नाउ इन द सिटी सेंटर। ओके, तो अब आगे जाके देखते हैं जगह है कैसा। का ग्रेजुएशन हुआ था, वो यहाँ पढ़ा, उसका कॉलेज यहीं था, तो वो हमें घुमाने ले आए कि कैसा जगह है, तो मज़े आने वाले हैं आज। तो डैडी आपको पानी पीना है क्या? यहाँ है तो देखो इतना बड़ा ज़्यादा पानी, क्या कहना चाहते हो आप? ये पानी मच्छियाँ पीते हैं। ये रिवर वाटर है। तो आप भी तो मच्छी। रिवर का नाम यू आर अ फिश। देखो रिवर का नाम एवॉन है। एक एवॉन मिनरल वाटर भी होता है। ओह डैडी, आपके ऐसे जोक्स से तभी मुझे पता चल रहा है कैसे जोक्स आ रहे मेरे ऐसे गंदे। तो सही है, पानी मुझे एवॉन का ही पीना है, पर नदी का नहीं, मिनरल वाटर है। ओह यार डैडी, यू आर लिविंग द थग लाइफ, डैम इट फील्स गुड टू बी अ गैंगस्टर। डैडी गैंगस्टर हो क्या? गैंगस्टर नहीं है, अभी तू मेरे साथ हॉलीडे में है तो मैं तेरे साथ थोड़ा सा जोक कर रहा हूँ। मतलब आप इंडिया जब जाओगे तो जोक्स खत्म हो जाएंगे। सीरियसली, बैक टू एक्शन। ओह शिट डैडी, आज आप अजय देवगन से कम नहीं हो। अजय देवगन कौन है भाई? तो अभी हम क्या डैडी, जगह का नाम क्या? वागा मामा के सामने खड़े हैं और पापा को बहुत भूख लग रहा है। डैडी बताओ अपना दुख, बताओ कितना भूख लग रहा है। आई वांट टू इंप्रेस द बोल। पापा को बहुत भूख लग रहा है और इनको चढ़ रहा है गुस्सा, और अभी 20 मिनट का वेटिंग है, तो हम यहाँ बैठ गए।
तो देखते हैं कितना टाइम लगता है। जगह का नाम वागा मामा। रेडी, क्या कहना चाहते हो? ओए, क्या दिखा रहे हो आप? सही कह रहे हो। तो बाद का ट्रिप यहीं ख़त्म हुआ, हम एक ही दिन के लिए आए, अब हम निकल रहे हैं लंदन के लिए। तो यहीं व्लॉग एंड करते हैं। तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। आई विल बी सीइंग यू गाइस इन लंदन।